हल्लो माई हेलो हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर तो चलिए शुरू करते हैं हेलो माय गॉर्जियस पीपल आउट देयर वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल तो जैसा कि आप देख सकते हो कि आज हम हो गए बैकग्राउंड से इंस्पायर और हमने बैकग्राउंड से इंस्पायर होके आज की थीम रखी है ब्लू ब्लू मेकअप ब्लू क्लोथ्स ब्लू बैकग्राउंड तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज थोड़ा सा अप्रिशिएट कर देना तो आज करने वाले हैं हम ये ब्लू आई मेकअप लुक क्रिएट जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है बहुत इजी है बहुत क्विक है विद इन विद इन फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स आपका ये फुल फेस मेकअप लुक हो जाएगा और ये बहुत पार्टी अप्रोप्रिएट है आप डे में और नाइट में इसको इजीली कैरी कर सकते हो किसी भी तरह के क्लोथ के साथ बट स्पेशली ये ब्लू और ब्लैक के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स जम्प इन टू दिद यो सो लेट्स स्टार्ट द मेकअप सो so फर्स्टली मैंने अपनी स्किन को ऑलरेडी मॉइस्चराइज कर लिया है आप भी अपने किसी भी फेवरेट मॉइस्चराइजर से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर सकते हो मैंने सेटाफिल से अपना स्किन मॉइस्चराइज कर ली है नाउ आई एम यूजिंग दिस प्राइमर बाय शुगर इस प्राइमर को मैं यूज़ कर लूँगी और इसको मैं सिर्फ वहीं यूज़ करूँगी जहाँ पे मेरे पोर्स हैं दैट्स इट एक आपको मिरर चाहिए छोटू सा तो जहाँ पे मेरे पोर्स हैं मैं बस इसको वहीं पे थोड़ा थोड़ा लगा दूँगी इस तरह सो आई एम डन तो प्राइमर हमने लगा लिया है तो अब मैं इसके बाद लगाने वाली हूँ मैं लगाने वाली हूँ फाउंडेशन तो यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ ये पैक का फाउंडेशन जिसका शेड नंबर है 2.3 तो मैं 2.3 और 1.6 मिक्स करके लगाती हूँ बट आज मैं सिर्फ 2.3 ही लगाने वाली हूँ तो मैं थोड़ा सा इसको अपने हैंड पे ले लूँगी बहुत ही लिटिल अमाउंट में ले रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा फाउंडेशन uh, नहीं लगाना है बहुत ही नेचुरल लुक मैं ये क्रिएट करने वाली हूँ तो थोड़ा सा फ़ाउंडेशन आप अपने हैंड में ले लोगे और आपको चाहिए एक ब्यूटी ब्लेंडर और ये ब्यूटी ब्लेंडर है फॉर एवर फिफ्टी टू का और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है इससे पहले भी मेरे पास एक नायका का था बट सेकेंड मैंने ये लिया था मुझे ये ज़्यादा कम्पेरेटिवली अच्छा लगा uh, नायका से तो आप भी ये ले सकते हो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और मैंने इसको थोड़ा सा डैम्प कर लिया है बहुत ही ज़्यादा नेचुरल फिनिश देता है तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा अपनी स्किन पे लगा लूँगी अंडर आइस पे अभी नहीं लगाऊँगी क्योंकि अंडर आइस पे मैं थोड़ा सा कंसील करूँगी तो आप धीरे धीरे डैबिंग मोशन में इसको ब्लेंड करेंगे आप इसको रब नहीं करोगे आपको धीरे धीरे बस इसको ब्लेंड करना है बहुत ही हल्के हाथ से मारना रही है अपने आप को तो अभी मैं इसको अंडर में नहीं लगाऊंगी क्योंकि पहले मैं कंसील करूंगी थोड़ा सा और अपने नेक को भी कवर करना ना भूलें ओके सो मूविंग ऑन टू अंडर आइज अभी मैं पहले यूज करूंगी कंसीलर और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये क्राइलॉन का कंसीलर एफ़ एस ट्वेंटी सेवन तो जो मेरे डार्क सर्कल्स हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं हैं बिकॉज़ ऑफ लाइट थोड़ा सा डार्क दिखता है इतने डार्क नहीं है इसीलिए मैं अभी यूज़ कर रही हूँ एफ़ एस ट्वेंटी सेवन बहुत ही थोड़ी सी क्वान्टिटी मैं इसको अपनी अंडर आइज़ में लगा लूँगी और इसको ब्लेंड करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ छोटू सा ब्लेंडर बाय पैक कॉस्मेटिक अगर आपके पास ये छोटा ब्लेंडर नहीं है आप अपने नॉर्मल ब्यूटी ब्लेंडर से भी इसको ब्लेंड कर सकते हो अदरवाइज़ अगर आपके पास ब्लेंडर्स नहीं है तो आप अपनी ब्रश से भी इसको ब्लेंड कर सकते हो तो मैंने ये थोड़ा सा अपनी अंडर आई को कंसील कर लिया मैं अगेन वही फाउंडेशन लेके थोड़ी सी क्वांटिटी में अपने अंडर आईज के नीचे लगा लूँगी सेम ब्यूटी ब्लेंडर से लाइक सो आई जस्ट वॉन्ट टू से मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ अपनी वीडियो के अंदर कि कॉमेंट सेक्शन में बताओ बट बत आप लोग बताते नहीं हो तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मुझे ज़रूर बताया करो जो भी मैं उसमें क्वेश्चन पूछती हूँ या अगर आपको कोई मेकअप लुक देखना है या किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर आपको वीडियो देखनी है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो आई ट्राई कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग मेरे क्वेश्चन के आंसर कॉमेंट सेक्शन में दोगे तो अंडर आई को हाईलाइट करने के लिए यूज़ करेंगे कंसीलर जो कि हमारे शेड से टू शेड्स अपर होगा और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये पैक कॉस्मेटिक का कंसीलर ये कंसीलर भी बहुत अच्छा है थोड़ा सा जल्दी ड्राई हो जाता है बट अच्छी कवरेज देता है तो मैं ये बहुत ही थोड़ा सा इसको इतना सा बस लगाना है इससे ज़्यादा इसको लगाने की जरूरत नहीं है और सेम मैं अपने आइस के ऊपर भी लगा दूँगी ये बहुत ही थिक कंसीलर है तो आप देख सकते हो कि मेरी अंडर आईज बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गए वो भी थोड़े से प्रोडक्ट से मैं सेम प्रोडक्ट को अपनी आई बेस के लिए भी यूज़ करूंगी और बस मुझे इतना सा ही इसको लगाना है दैट्स इट जैसा कि अभी विंटर है तो इट्स अप टू यू कि अगर आपको पाउडर uh, कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है बट आई वुड सजेस्ट कि विंटर में आप थोड़ा सा अपने बेस को लॉक करने के लिए कम ही ड्राई वाले जो पाउडर्स होते हैं वो यूज़ करो बिकॉज अगर ऑलरेडी स्किन ड्राई होती है तो और ज़्यादा पाउडरी लगता है फेस दैट्स इट अब मैं अपनी अंडर आइज को सेट करने के लिए यूज़ करूँ ये फॉर एवर का बनाना पाउडर अब मैं थोड़ा सा बनाना पाउडर अपनी अंडर आईज को सेट करने के लिए यूज करूंगी एंड सेम प्रोडक्ट को मैं अपनी आईलेट्स को भी लॉक करने के लिए यूज कर लूंगी एम आर डन अब हम अपनी आईब्रोज़ को फिल कर लेंगे और आईब्रोज़ को फिल करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये मिनिसो का पाउडर पैलेट आई नो ये आपने मेरी हर मेकअप वीडियो के अंदर देखा है क्योंकि ये बहुत अच्छा है और इसकी जो क्वांटिटी है वो भी बहुत ज़्यादा अभी तक चल रहा है मैंने बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया है एंड आई जस्ट लव दिस वन और ये पाउडरी है तो बहुत ज़्यादा आपकी जो आईब्रोज है उसको हार्श लुक नहीं देता है नेचुरल लगती है इसी तरह मैं अपनी दूसरी आईब्रो को भी फिल कर दूँ ओके सो जो हमारा मेन प्रोडक्ट है जिसकी वजह से हम इंस्पायर हुए हैं इस मेकअप के लिए हमें उसकी ज़रूरत है विच इज़ दिस ब्लू आई शेडो पैलेट आप कोई भी ब्लू आई शेडो पैलेट यूज़ कर सकते हो एंड uh, या आप ब्लू आई भी यूज़ कर सकते हो बट ये जो आई शेडो वाला जो लुक है ये ज़्यादा अच्छा आएगा आप इसको ब्लेंड भी कर सकते हो या थोड़ा सा स्मोकी लुक भी दे सकते हो सो आई एम यूजिंग एन के मेकअप का ये मेकअप पैलेट ब्लू कलर का है इसका नेम है पैलेट का नेम है ओशियन आईज और लुक विथ द कलर्स इसके कितने सुंदर कलर्स हैं सारे ब्लू शेड्स हैं एंड ये पैलेट बहुत ही सुंदर लगता है सी तो हम इस पैलेट को यूज करेंगे आज तो आज का जो हम लुक क्रिएट करने वाले हैं वो इस आई शेडो पैलेट से होने वाला है सो लेट्स क्या लुक क्रिएट होने वाला है आई माइट टेक दिस कलर राइट right हियर इसके लिए आपको एक चाहिए छोटी सी ब्लेंडिंग ब्रश जो बहुत ही इजीली आपके आईज के ऊपर ब्लेंड हो जाए और ज़्यादा ये फैले ना मैसअप ना हो कोई भी एक चोरी किया हुआ कार्ड कोई भी एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड तो आपको क्या करना है इसको यहाँ पे ऐसे लगाना है अपने आई के साथ कॉर्नर्स पे जैसे हम विंग आईलाइनर क्रिएट करते हैं वैसे ही यहाँ पे इसको आपको यहाँ पे लगाना है एंड देन आपको आई शेडो लेके यहाँ से इसको ब्लेंड करना है सो so, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे करना है ये तो आपको इसको यहाँ पे ऐसे फिक्स कर लेना है एंड देन लाइक दिस ये आपको ब्लेंड करना है लाइक दिस मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है बिकॉज मैं मिरर भी नहीं पकड़ पा रही हूँ और ना देख पा रही हूँ आई डोंट नो कि ये कैसा होने वाला है ट बैड विदाउट मिररर काफी अच्छा हो गया नॉट बैड आई होप की सेकेंड भी सेम हो जाए वाओ wow. तो इसी तरह मैं सेम आई पे भी कर लूंगी तो ये हो चुका है तो अब जो मेरा नेक्स्ट शेड होगा वो ये होगा लाइट कलर कोई भी लाइट और डार्क का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है तो इसीलिए पहले मैंने डार्क ब्लू लगाया नाउ आई एम टेकिंग लाइट ब्लू और मैं इस लाइट ब्लू को अपने इनर कॉर्नर्स के अंदर लगा दूंगी सो so दैट मेरी जो हाई आईज है वो थोड़ी सी हाईलाइट हो जाए को यहाँ पे प्लेस कर सकते हो लाइक like दिस मुझे भी नहीं पता कि ये लुक कैसा टर्न आउट होने वाला है क्योंकि मैं भी इस लुक को फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रही हूँ अब मैं यूज करूंगी मस्कारा जो मैं यूज कर रही हूँ मेबेलिन का हाइपर कर्ल तो मैं सोच रही हूँ कि इस लुक को और अच्छा लुक देने के लिए मैं यूज़ कर लूँ फॉल्स आई लैशेज सो लेट्स सी कि कैसी लगेंगी वो इस लुक को और ज़्यादा एनहैंस कर देगी क्योंकि हमने इस लुक में कुछ भी नहीं किया जस्ट ब्लू कलर का आई लगाया दैट्स इट तो इस लुक को और इन्हांस करने के लिए यू कैन यूज़ एनी फॉल्स लैशेज अब मैं अपने फेस को कॉन्टोर करने के लिए यूज़ करी मैक का ब्रॉन्जिंग पाउडर तो मैं ज़्यादा ब्रॉन्जिंग नहीं करूँगी बहुत ही नॉर्मल रखूंगी अगर आप मेकअप से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि आपको किस चीज़ के ऊपर वीडियो देखनी है मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी ओके सो नाउ मूविंग ऑन टू ब्लश ब्लश के लिए मैं नॉर्मल आज लिपस्टिक ही यूज़ करने वाली हूँ मैं कोई पाउडर ब्लश नहीं यूज़ कर रही पैक की स्वीट सेंसेशन लिप क्रीम ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ये आपको मैंने लिपस्टिक का जो वीडियो बनाया था उसके अंदर भी आपको मैंने ये लिप शेड दिखाया था तो ये आप थोड़ा सा इसको लगा सकते हो लाइक दिस एंड वी आर done. So moving on टू बेस्ट अमेजिंग थिंग जो कि पूरे मेकअप में होती है और आप सभी लड़कियों को पता होगा कि वो क्या है तो गेस करो और जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ कर दिया यस यू आर राइट आई एम टॉकिंग अबाउट हाईलाइटर यहां पे मैं यूज कर रही हूं ये नायका का हाईलाइटर तो आई नो कि जो हाईलाइटर होते हैं वो सभी गर्ल्स को बहुत ज्यादा पसंद होता है हाईलाइटर एंड मस्कारा अपनी ब्राउ बोन को हाईलाइट करना बिल्कुल भी ना भूलें बिकॉज हमने बहुत ही ज्यादा सिंपल लुक किया है और ये इस लुक में चार चांद लगा देगा आई नो कि मैंने इतना ज़्यादा लगा दिया कि मैं डिस्को बॉल लग रही हूँ बट डेट्स ओके मैं यूज़ कर रही हूँ पैक कॉस्मेटिक का मेकअप फिक्सर तो आप इसको थोड़ा सा अपने फेस पे लगा लोगे और इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो हेवन है ये लगा दिया एंड देन वही सेम ब्यूटी ब्लेंडर से आप ऐसे इसको ब्लेंड कर सकते हो ओके सो मूविंग ऑन टू माई लास्ट स्टेप विच इज लिपस्टिक तो मैं यहाँ पे यूज कर रही करी फेसिस कैनेडा की ग्लोसी लिपस्टिक और ये अच्छा लगता है ऐसे लुक में तो यहाँ पे होता है हमारा लुक कंप्लीट दिस इज माई फाइनल लुक गाइज something, something to say. I'm just so sick of everyone. तो मैंने कर लिया है अपना लुक कंप्लीट मैंने ऐड करी है आई लैशेज एंड मैंने थोड़ा सा अपना हेयर स्टाइल कर लिया है और मेरे को तो ये लुक बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है आई एम डेफिनेटली गोइंग टू ट्राई दिस कभी भी कहीं जाना हो मैं इसको ट्राई करने वाली हूँ अपने ऊपर ये लुक बहुत ही डिफरेंट सा लुक आ रहा है बहुत ही सुंदर लग रहा है कुछ ज्यादा ओवर uh, भी नहीं लग रहा है और बहुत ही पार्टी uh, अप्रोप्रिएट भी लग रहा है सो आई होप आपको ये मेरा बैकग्राउंड से इंस्पायर्ड मेकअप पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो प्लीज़ uh, वीडियो को लाइक करो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और अगर आपको ये मेकअप पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस मेकअप लुक को क्रिएट करना और मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना बिल्कुल मत भूलना मैं अपनी आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी सो प्लीज़ डू टैग मी देर और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि आप नेक्स्ट वीडियो किस लुक के ऊपर देखना चाहते हो सो आई विल ट्राई टू क्रिएट दैट लुक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग